गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। आप सभी का कंपल्सरी इंग्लिश में की क्लास में ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है हमने ऑफिशियल रिक्वेस्टिंग के बारे में, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट में जो बात की थी हमने वो बातें की थी हमने ऑफिशियल लेटर कंप्लेंट से संबंधित किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कि जब कोई शिकायत करनी होती है तो उससे संबंधित किस प्रकार से लेटर राइटिंग बनाया जाता है। तो मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया था कि उस फॉर्मेट के आधार पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इजी टू चलेंगे हम सरल से लेंगे क्वेश्चन, और जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट यहाँ पे अभी वो ये है, इमेजिन दैट यू आर राहुल या रीना, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन हिम अबाउट द poor facilities of your classroom। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करें कि poor condition है, poor facilities के बारे में बताना है प्रिंसिपल को, शिकायत करनी है आपके कक्षा कक्ष की poor facilities के बारे में, अर्थात आपका जो कक्षा कक्ष है उसमें जो सुविधाएं आपको दी गई है वो कमजोर है, poor है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल को क्या करना है, पत्र लिखना है जिसमें आपको प्रिंसिपल से ये कहना है, रिक्वेस्ट करनी है, सॉरी ये कंप्लेंट करनी है कि किस प्रकार की आपके वहाँ पर फैसिलिटी है, उस बारे में आपको पत्र लिखना है। और आप कौन है, आप राहुल हैं या फिर रीना है, और आप कौन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के स्टूडेंट है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को आपको करके बता रहा हूँ, फिर हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले सेंटर एड्रेस बनाएंगे, सेंटर एड्रेस आपका क्या हो जाएगा, कोई भी आप एड्रेस लिखोगे, जैसे आपने लिखा 10 श्याम विहार रामपुर, ओके। डेट आ जाएगी जैसे आज लिख रहे हो आप, आपने लिखा सितंबर 15 2020। इसके बाद किसको पत्र लिख रहे हो, यहाँ पे किसको लिखेंगे, द प्रिंसिपल, क्या आ जाएगा, द प्रिंसिपल। अभी क्या करना है बेटा, स्कूल का नाम कौन सी स्कूल क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया, दिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद जगह क्या दी है बेटा, जगह दी है रामपुर। सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखना है, आपने लिख दिया सेंटर एड्रेस, उसके बाद क्या करना है, डेट लिख दी है, डेट लिख दी हमने, फिर एक लाइन खाली छोड़ देंगे और रिसीवर एड्रेस आएगा, रिसीवर किसको लिख रहे हैं, हम पत्र प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो द और प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर कैपिटल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहां की, स्कूल रामपुर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, उसको समझो,
अब हमें सब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है बेटा, सब्जेक्ट। क्या बताया था, ए लेटर टू कंप्लेन अबाउट, अब इस बारे में सिखाया था, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है अबाउट द पुअर फैसिलिटीज ऑफ योर क्लासरूम, अबाउट द पुअर फैसिलिटीज फैसिलिटीज ऑफ माय क्लासरूम, या पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के बेस पे कहोगे तो क्या रहेगा बेटा, आवर क्लासरूम। ठीक है, अभी आप खुद लिख रहे हो, चलो माय क्लासरूम। अब क्या करूं मैं, क्या लिखूं, सेंसेशन लिखूं या तो सर आएगा या मैडम आएगा, तो कंप्लेन ही में दे रखा है तो क्या रहेगा बेटा, सर आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, नहीं होगी दिक्कत, ठीक, फिर भी हो दिक्कत बताना बेटा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर kind as well as polite attention to my complaint to my complaint। अब शिकायत किस बारे में है बेटा, बताया था मैंने, अबाउट के बाद क्या करना है, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है इसको आप यहाँ पे लिख दो, अबाउट द पुअर फैसिलिटीज ऑफ माय क्लासरूम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर तो। अब दूसरा जो पैराग्राफ बनाना है, ठीक है ना, बस पैराग्राफ हमने बना दिया, I would like to bring your kind as well as correct attention to my complaint. Complaint क्या है उसको आप बता दोगे, फिर आपका ये पैराग्राफ बन जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड पैराग्राफ बनाना है, फिर पहली लाइन प्रिंसिपल को लिख रहे हो, क्या बताया था मैंने जब शुरू में बात की थी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप, I am a student of class 12th A in this school, okay? फिर आप बता सकते हो कि आप कक्षा के मॉनिटर भी हैं, क्या लिख सकते हो, क्या I am the monitor of the class। ठीक बेटा, अब आपकी शिकायत जो है आपके पूरे स्टूडेंट्स के बेस पर है, तो आप क्या लिखोगे, on behalf of the whole students I want to say that। अब क्या कहना है, फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट लाइन में क्या कंप्लेन करोगे कि कक्षा की स्थिति कैसी है, वो है कि the facilities yes I want to say about, हॉस्टाइल यूपी में बन जाएगी, अबाउट द पुअर फैसिलिटीज ऑफ द क्लासरूम ऑफ आवर क्लासरूम। अब ये तो हम बिहाफ ऑफ आ गया ना, अब क्या बच्चे के बारे में शिकायत करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है पुअर फैसिलिटी, वो हमें बतानी है। तो पुअर फैसिलिटी में जैसे आपने क्या कहा, द वॉल्स ऑफ द रूम आर डर्टी, कक्षा कक्ष की जो दीवारें हो कैसी बेटा, भद्दी है, गंदी है। ठीक है, आगे द फर्नीचर इज ब्रोकन, ये सारी चीजें हम लिखेंगे, क्या फर्नीचर भी ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ओके, इसके अलावा द ग्लासेज ऑफ विंडोज, द ग्लासेज ऑफ विंडोज आर ऑल्सो ब्रोकन, फर्नीचर भी टूटा है साथ में खिड़कियों की जो कांच होता है, खिड़कियों की जो कांच है वो भी क्या है, टूटे हुए हैं। ठीक है,
फैंस आर डैमेज, फैंस जो है पंखे जो है वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा लाइट स्विचेस, द स्विचेस ऑफ लाइट, स्विचेस ऑफ लाइट, लाइट के जो स्विच हैं वो भी क्या है, आर ब्रोकन, टूटे हुए हैं। कि बोर्ड कैसा है, द ब्लैक बोर्ड इज वेरी रफ, बहुत खुरदरा है। ठीक है, कैसे हैं बोर्ड भी कैसा है, खुरदरा बोर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा कोई शिकायत करना चाहते हो बता सकते हो, जैसे सफाई करनी, सफाई नहीं करता। ठीक है, द रूम इज वेरी डर्टी, क्या देयर इज डस्ट एवरीवेयर, हमें मर्जरी क्या है, धूल, डस्ट एंड रबिस, डस्ट एंड रबिस, कचरा और धूल है एवरीवेयर। क्यों है, द स्वीपर डजंट स्वीप इट डेली, समझ रहे हो, पुअर कंडीशन बतानी, पुअर फैसिलिटीज बतानी, कैसे आपकी पुअर फैसिलिटी, जैसे आपने कहा कि आपको जो फैसिलिटी दी जाएगी कक्षा दी, कक्षा की है वो डर्टी है, गंदा है, वॉल्स डर्टी है, फर्नीचर टूटा हुआ है, कक्षा की जो खिड़कियां कक्षा की वो टूटी हुई है, पंखे खराब हो रहे हैं, स्विच चालू नहीं है, ब्लैक बोर्ड रखा है, तो डस्ट वगैरह रक्स वगैरह है, ठीक है, कूड़ा करकट, धूल, कचरा, धूल, ये सब वहां पर फैला है, कोई सफाई करके सफाई नहीं करता, ये सारी बातें पुअर फैसिलिटीज नाम। फिर क्या आएगा, जो आपको बताया था मैंने फिक्स लैंग्वेज दी है, आई हैव कंप्लेंड, इट मैनी टाइम्स बट ऑल इन वेन, इसकी हमने शिकायत भी कई बार की लेकिन सब कुछ बेकार रहा। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू, अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्या करो, लुक इन टू द मैटर केयरफुली एंड डू सम थिंग नीडफुल, सम नीडफुल, ठीक है, समथिंग इट वॉज सम नीडफुल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, फर्स्ट पैराग्राफ में पहली लाइन क्या आ जाएगी, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, फिर हमने लिखा मॉनिटर है आप कक्षा के, पूरे स्टूडेंट्स के आधार पर क्या कह रहे हो, वो सारी बातें आ गई कि आपकी कक्षा किसकी, और फैसिलिटीज कैसे है तो वो बतानी है आपको। ठीक है, जो बता दोगे आप लोग, फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट, कि हमने शिकायत कई बार कर दी, सब कुछ बेकार रहा, आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को जांचें और एक आवश्यक कार्यवाही करें। और फिर क्या आएगा, कि मैं आपका आभारी रहूंगा, क्या आ जाएगा, आई शैल बी मच ग्रेटफुल टू यू। ओके, एक लाइन बनाई छोड़े बेटा, फिर क्या आएगा, थैंक्स आ जाएगा या थैंक यू आ जाएगा, और फिर क्या करते हैं, एक लाइन खाली छोड़ के किसको पत्र लिख रहे हैं, सॉरी योर्स फेथफुली, क्या आता है, फेथफुली सबके लिए आता है। ठीक है, बाकी फिर भी आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ऑबीडियंटली लिख सकते हो। और उसके बाद नेम आएगा आपका PQR, देखो क्वेश्चन में दे रखा है या तो राहुल और या रानी, सॉरी रीना, जो नाम दे रखा है वो नाम लिखोगे बेटा, और इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन जो है, क्योंकि इतना ज्यादा टफ या हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा आप लोगों को, लेकिन हमें तैयार करना है हमें क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, सेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हम लोग, बस जो बॉडी ऑफ लेटर है उसमें हम कुछ सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ लैंग्वेज बनानी है, अपनी प्रॉब्लम्स देनी है, अपनी कंप्लेंट्स देनी है, अपनी शिकायत देनी है, उसको हमें लिखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसी तरह कोई कोई क्वेश्चन आएंगे, देखना मिल जाएगा आपको इसी में से कोई क्वेश्चन जुड़े, तो आप जुड़े रहिए, पढ़िएगा साथ में, ठीक है। बाकी और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आगे हम करेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो बेटा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो पर्सनल चैनल है, मैंने बताया आपको पहले भी, हरिशंकर शर्मा, जहाँ भी नियमित रूप से आपको आपकी जो क्लास है उसके वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें बाकी, और वहाँ से भी आप अभी देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।